नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज से 7 साल पहले मुझे भी स्टेज में बोलने में बहुत डर लगता था। फिर मैंने कुछ तरकीबों को अपनाया, कुछ ट्रिक्स और टिप्स को अपनाया और उसके बाद मैं फराटेदार स्टेज पर बोलने लगा। और अगर स्टेज फियर यानी स्टेज में बोलने की हिचकिचाहट, स्टेज पर जाते ही एक तरह का डर, स्टेज पर जाते ही कॉन्फिडेंस को लूज हो जाना, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दिल से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक मिनिमम 5 बार देखेंगे तो आपकी स्टेज फियर की प्रॉब्लम छुमंतर हो जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्टेज फियर क्या है, स्टेज पर हमें डर क्यों लगता है, आपको इसके बीच की बारीकी को जानना पड़ेगा, इसके पीछे के रीजन को जानना पड़ेगा कि आखिर हम स्टेज पर डरते क्यों हैं। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम आसानी से बात करने लग जाते हैं, जैसे लेकिन हम अपने सामने एक साथ बहुत सारे लोगों को देखते हैं, क्राउड को देखते हैं, तो जो हमारा माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे बोला जाता है, वो हमें सिग्नल देने लग जाता है कि बहुत सारे लोग एक साथ है। तो हम जिस तरीके की फॉर एग्जांपल कि दिवाली के पटाखे एकदम से जल जाते हैं तो हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को इस चीज के लिए एकदम से तैयार कर लेता है कि कुछ कुछ खतरनाक है, कुछ आ, आ, कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ है जो नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से हमें भी नहीं पता चलता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सिग्नल देने लग जाता है जिन सिग्नल्स की वजह से हम कहीं ना कहीं स्टेज पर डरने लग जाते हैं और स्टेज पर अपने कॉन्फिडेंस को खोने लग जाते हैं। अब किस तरीके से इन सिग्नल्स को दूर किया जाए, किस तरीके से ट्रिक्स और ट्रिक्स को अपनाया जाए, मैंने ट्रिक्स बोल दिया कोई बात नहीं, चलिए इन पर जाते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो ये है, सब बेवकूफ है। देखिए जो आप अपने माइंड को बोलेंगे वही माइंड आपकी बॉडी को बोलेगा और वही आपकी बॉडी लैंग्वेज पर रिफ्लेक्ट भी होगा। जब भी आप, मैंने भी स्टेज पर जाते हुए इस चीज को अपनाया कि जब भी मैं स्टेज पर जाता हूं तो मैं अपने आप को 10 बार इस चीज को बोलता हूं कि जितने भी लोग सामने बैठे हुए हैं वो सब बेवकूफ है, उनको कुछ भी नहीं आता है, भले एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट लोग सामने बैठे हुए हो। जब आप अपने माइंड को 10 बार ये चीज बोलते हो कि सामने बैठे हुए सब लोग बेवकूफ हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश आप अपने घर में अपने मम्मी पापा और इस सबके व्हाट आर यू डूइंग इजिली बोल देते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं वीक इंग्लिश होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। लेकिन वही इंग्लिश अगर आपको इंटरव्यू में बोलनी हो या किसी लेक्चर में बोलनी हो आप नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को इंग्लिश आती है। सेम वे जब हमें लगता है ओ सामने वाले को बहुत नॉलेज है, बहुत पता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को कंफ्यूज करने लग जाता है और हम कहीं ना कहीं हमारे पांव कांपने लग जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं, हम फंबल करने लग जाते हैं, हम नॉर्मल से भी बेकार परफॉर्म करने लग जाते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए क्या होगा, सब बेवकूफ है, ये अपने आप माइंड में थॉट देकर के आप चलिए कि किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ भी नहीं पता है, तब आप बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक नेचुरल सा कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में, नेचुरल सा कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को सिग्नल देगा कि नोबडी नो एनीथिंग, सो यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर दिस वर्ल्ड। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कंसिडर एवरीबडी योर फ्रेंड। देखिए इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, उनके साथ आपको पता नहीं चलेगा कि आप नेचुरली जोक्स क्रैक करने लग जाते हो, नेचुरल जोक्स, नेचुरल ह्यूमर, नेचुरल कॉमेडी करने लग जाते हो। आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हो यार आप बहुत फनी हो, लेकिन वही फनी जब आप क्राउड के बीच में करने लगते हो तो आपके नेचुरल जोक्स भी नहीं हो पाते, नेचुरल ह्यूमर भी नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इस चीज के लिए तैयार हो रखा होता है कि ओ जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो हम बिल्कुल चिल आउट वाले फील में आ सकते हैं, या हमारा जो माइंड का जो ह्यूमर वाला केमिकल है वो उसको टिकलिएट कर लेता है या उसको
उत्पन्न करने लग जाता है। सो आपको हमेशा अपने माइंड को ये सोचना है कि सामने जो लोग बैठे हैं, तीन चार लोग बैठे हैं, वो आपके फ्रेंड्स ही हैं, आपके दोस्त हैं। उनके पास जाइए आप भी और बातचीत करते हुए भी आप बोल सकते हैं, मीट माई न्यू फ्रेंड राहुल गुप्ता। ऑलराइट, सो राहुल यू आर माई फ्रेंड नाउ। ओके राहुल, अब ये बताइए, तो जब आप ये चीज कंसिडर करेंगे कि सामने वाले लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो नेचुरली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। ये रहा पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री जो कि मेरे बाकी वीडियो में भी है, देखिए हमार को अपने माइंड को चीट करना होता है, हमार को अपनी बॉडी को चीट करना होता है, हमार को अपनी व्हाट वी कॉल सबकॉन्शियस माइंड को चीट करना होता है। सो फेक इट टिल द टाइम यू मेक इट। आप जानबूझ करके स्माइल करें, जितना आप स्माइल कर सकते हैं उतना स्माइल के साथ बात करें, उतना खुश होकर बात करें, तो आपके माइंड को भी ऐसा लगता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हैं, यानी आप बहुत कंफर्टेबल हैं, और इसके साथ साथ ऑडियंस को भी ये लगता है कि आप अगर बहुत खुश हैं तो यानी बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। तो फेक इट टिल द टाइम यू मेक इट। सो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको स्माइल करते रहना, आपको हंसना है, बट इतना ज्यादा भी नहीं हंसना, बट लेकिन आपको हंसना है। तो जब आप स्माइल करेंगे तो नेचुरली हम स्माइल करते हुए जब बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, और स्माइल करते हुए जब हम बोलेंगे तो हमारी बॉडी और इस तरह के केमिकल अपने आप जनरेट हो जाते हैं कि हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील हो जाता है। ये है पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर फोर, दोस्तों इस पॉइंट को मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कम से कम शीशे के सामने, मिरर के सामने 1000 बार प्रैक्टिस करें। और बाय चांस आपको लगता है कि मिरर के सामने आप कंफर्टेबल नहीं है, तो मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करें और फिर अपने आप को देखें कि आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। मिरर के सामने जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हमारा जो चेहरे की बनावट कैसी है, जब हम हंस रहे हैं, हम जब साइड में देख रहे हैं हमारा साइड पोज कैसा है, साइड फेस कैसा है, हमें ये सब नजर आने लग जाता है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा आपके भीतर नेचुरली जो कॉन्फिडेंस है वो बोलने का डेवलप होता जाएगा। ये हुई आई थिंक थर्ड और फोर्थ पॉइंट, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि पॉइंट नंबर क्या है। एनीवे मोटो ये है कि कॉन्फिडेंस के लिए लास्ट जो मैं आपको अब पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे मैं भी हमेशा यूज करता हूँ, वो ये कि आपके माइंड का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरली जब भी हम इवेंट्स करते हैं, शोज करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट में चेंजेस हो गए, किसी ने कुछ आकर के बोल दिया, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कभी हर्ट हो जाता है, क्योंकि एज एन अ कलाकार, एज एन अ आर्टिस्ट कोई भी हमसे डिसरिस्पेक्ट से बात करता है तो हमें एकदम से बुरा लगने लग जाता है कि या अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होते, साउंड प्रॉपर नहीं होता। तो एक जिस मेथड को मैं भी दोस्तों अपने शोज में बहुत ज़्यादा अपनाता हूँ, मैं चाहूँगा कि जब भी आप स्टेज पर जाएं किसी प्रेजेंटेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, आप इस मेथड को जब आप अपनाएंगे तो यकीनन आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा और आपके चेहरे पर एक अलग तरह की जो कांति है, ग्लो है, वो नज़र आएगा। ये है शो से पहले 10 मिनट मेडिटेशन। यकीन मानिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा चलता रहता है, उसमें 500 थॉट्स चलते रहते हैं। बहुत बार आपने सोचा होगा होगा और देखा होगा कि जब आप स्टेज पर जाते हैं और जब वापस आते हैं, आप उसके बाद सोचते हैं, ओहो काश मैं ये वाली चीज बोल देता, या मैं ये वाला जोक बोलना तो भूल ही गया, या मैं ये वाली शायरी बोलना तो भूल ही गया। अब थे तो आप ही वहां परफॉर्म कर रहे थे, फिर आप क्यों भूल गए? इसका सोल्यूशन यही है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प और कूल रहे। आपका माइंड शार्प और कूल स्टेज पर तभी रह सकता है जब आपने स्टेज जाने से पहले इसको बिल्कुल शांत कर दिया हो। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 मिनट की मेडिटेशन स्टेज में जाने से पहले जरूर करें। दोस्तों मुझे वीडियो के कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंस की टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा तो वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को दीपावली जा चुकी है, दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, भवे शुभम मंगलम, पुनः मिलामः।